राहुल अंदर आना, पेशेंट नंबर 5 बाहर है कि नहीं? बाहर से लेकर आप पेशेंट नंबर 5 को और चेयर उसके यहाँ लगाओ। इधर आओ, इधर बैठो, आराम से बैठना। ये क्या है? मैडम जी मास्क लगा मैंने, बढ़िया। पहले बैठो। सही लगा ना? हाँ पहले बैठो। मैं बोतल किधर रखूं? अरे बैठो, मैं क्या रही हूँ, आराम से। हाँ बैठो, यहाँ बैठो। मास्क मुंह पे लगाते हैं। मुंह पे? भैया मास्क लगाओ पहले। भैया अरे मास्क लगाओ पहले। राहुल तुम इसके पास आके खड़े हो, इसको बोलो मास्क लगाए पहले सही से। मास्क लगा देते तो मास्क लगाए, मास्क लगा मुंह पे, लगा दिया मुंह पे, लगाओ मास्क मुंह ही। अरे ये पागल है क्या पेशेंट? नाम बताओ अपना। नाम पूछ रही हूँ। नाम सर क्या रहे हो? नाम वायरस चल रहा, तुम नाक में उंगली के गुजर रहे हो। तुम भी सब सही करो पहले अपनी। सैनिटाइज लाओ, सैनिटाइज सैनिटाइज लाओ, पर इसका हाथ स्प्रे करो। तुम पहले मास्क लगाओ, मास्क लगाओ, मास्क लगा तो मेरे को दिखता नहीं है। तुम पहले मास्क लगाओ, नहीं मास्क लगाओ पहले। सैनिटाइज करो राहुल, इसको साइड में होके करो सैनिटाइज, हाथ स्प्रे करो इसका पहले, हाथ स्प्रे करो इसका। अभी इसको रखो पहले पानी की बोतल। पानी की बोतल नहीं है, पानी नहीं है इसमें। स्प्रे करो इसका हाथ। दवाई है मैडम जी। तुम पहले अपना नाम बताओ, अपनी प्रॉब्लम बता दो कि हुआ क्या है। अरे भाई मेरा नाम नाम अरे पागल हाथ का तुम्हारे साथ कोई आया है? मेरे साथ तुम्हारे मम्मी पापा कोई आया है दिखाने के लिए तुमको? डर की तुमको हॉस्पिटल के लिए भेज दिया किसी ने भी? सचिन तेंदुलकर एक क्रिकेटर है, तुम किसके साथ आए? तुम अपना बताओ, तुम किसके साथ आए? तुम अपना बताओ। राहुल ये पागल खाना नहीं है, तुमको यहाँ किसने भेजा है? मेरे को अरे तुम नाम बताओ अपना, इसको ले जाओ यार, इंजेक्शन लगा दूं? अरे इंजेक्शन मत लगाओ भाई। मच्छर दवाई। नाम बताओ अपना। मेरा नाम नाम है, नाम 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 तो ठीक है, नाम तो सबका होता है, लेकिन नाम नाम तो कुछ होगा, माँ बाप ने कुछ तो नाम रखा होगा। नाम नहीं, नाम से कुछ नहीं होता, नाम बताओ कि माँ बाप नाम नाम बताए। मेरे को एक प्रॉब्लम है, मेरे मैं मास्क लगाता हूँ ये दिखता नहीं। तुम पहले सही से बैठो, तुम पहले सही से बैठो, मेरी चेयर मत तोड़ो, चेयर पे ही बैठो, तुम सही से बैठो। अच्छा हाँ, नाम बताओ अपना पहले, नाम बताओ। मेरा नाम सचिन तेंदुलकर। तुम हॉस्पिटल में ऐसे बैठते हो, पेशेंट सामने तुम ऐसे बैठते हो, ज्यादा बदतमीजी मत करो। तुम अपना नाम बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो? तुम अपने घर वालों का नंबर दो पहले। अरे यार तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, इसको लगाओ, इसको लगाओ, इसको मुंह पे लगाते हैं। मुंह पे लगाते ऐसे? हाँ मुंह पे लगाओ इसको, अब मत निकाल लेना। मैडम जी एक क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कोई तुम्हारा क्लास नहीं है कि तुम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर पूछोगे। नाम बताओ पहले तुम अपना। मेरा नाम नाम, मेरा नाम 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 नाम। तो मुंह पे क्यों आके बोल रहे हो, दूर से बोलो। अब मैं कैसे पीऊं? देखो तुमने मेरा मुंह ढक दिया, कैसे पीऊं? तो पीने के टाइम पे मास्क तो हटा सकते हो। क्या हटा सकते? मास्क लगा के चलो।
अपने तो डिजाइन नहीं है। तुम्हारा ऊपर का महल किसका हुआ है क्या? ऊपर का? हाँ नहीं, छत का महल भी तुम्हारे दिमाग का महल किसका हुआ है क्या? अच्छा मम्मी से पूछ के बता। ये क्लिनिक है ये? तुम पागल हो के तुम्हारे दिमाग में नहीं है। ये नॉर्मल क्लिनिक है। तुमको यहाँ पे किसने भेजा? तुम्हारे साथ कौन आया पहले ये तो बताओ। मैं लेकर आया। तुम इसको यहाँ पे क्यों लेकर आया हो? तुमको पता नहीं ये नॉर्मल वो है, तुम इसको यहाँ पे क्यों लेकर आए? मेरा क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन? पूछू? हाँ पूछो। अगर राहुल तुम मुंह बंद करो पहले, इससे बात करने दो। हाँ बोलो। अगर किसी के कान नहीं होंगे, कान कान मैडम जी कान। हाँ अगर किसी के कान नहीं होंगे तो आगे बोलो। ये मेरा टेबल मत तोड़ो। तो उसको तो करोना हो जाएगा। किसको? जिसके कान नहीं होंगे। कान कब के दिए दे रखे हैं भगवान ने? किसी के कान नहीं दे रखे? मैं बताऊं? अरे सबके कान है भाई। नहीं मैडम जी, पूछो कि अगर कैसे होगा? तो वो सर में बांध लेगा। ठीक है, वो सर में बांध लेगा, रस्सी से बांध लेगा भाई। क्या तुमको पहले ये बताओ यहाँ भेजा किसने कि ये पार्लर क्लिनिक है, ये पार्लर खाना नहीं है जो तुम यहाँ पे आए हो? अरे इसको ले जाओ यार। कोई तुम किसके साथ आए पहले ये बताओ। तुम चींटे को खाना दे दूँ? सुनो मैं पागलों की डॉक्टर नहीं हूँ। मैं पागलों की डॉक्टर नहीं हूँ। कोरोना की तो हो। मैं नॉर्मल डॉक्टर हूँ। हाँ मैं पागलों की डॉक्टर नहीं हूँ। ये मरीज है कि पागल है? अरे ये पागल मरीज है। तुम मेरा चेयर मत तोड़ो, तुम ढंग से बैठो। मैं नीचे बैठ जा। तुम दूर बैठो, नीचे बैठो। नहीं नहीं तुम इसी पे बैठो, नीचे मत बैठो। रखो इसको, ये काट लेगा। तू अपनी सेटिंग बंद करो पहले। हाँ ये मेरे को देख रहा है, काट लेगा। वो टैडी वाला डॉगी है। हाँ क्लिनिक बंद करने का टाइम हो रहा है। आप अपने हाथ को सैनिटाइज करिए पहले। आप अपने हाथ को सैनिटाइज करिए। मिस्टर राहुल जरा टाइम देख के बताइए, मेरा क्लिनिक बंद करने का टाइम हो गया है। यार ब्लू फोन बंद हो गया। दूसरे वाले फोन में टाइम देख के बताइए। आप घर जाएंगे अपने कि नहीं जाएंगे? आप पहले ये बताइए। आप अपने घर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? मेरा क्लिनिक बंद करने का टाइम हो गया। आप पहले मास्क सही से लगाइए। आप मास्क सही से लगाइए पहले। सुनिए मेरे और भी पेशेंट हैं जो बाहर इंतजार कर रहे हैं, सिर्फ आप ही नहीं हो। आप चेयर पे ढंग से बैठिए। आप चेयर पे ढंग से बैठिए। आपको तमीज है कि नहीं है? मिस्टर राहुल टाइम देख के बताइए, मेरा क्लिनिक बंद करने का टाइम हो चुका है। बदतमीज, ओवर एक्टिंग मत करो, 10 रुपए काट लूंगी। ओ जो जो ओवर एक्टिंग करो ना उसके 10 रुपए काटूंगी, देख लेना। यार तुम कितने बदतमीज हो यार। तुम यहाँ मेरे क्लिनिक तक तुम आए कैसे पहले ये बताओ। राहुल आप इसको लेकर आए हो? आप लेकर आए हो? कौन किसको लेकर आया ये बताओ पहले, ये डिसाइड करो। पैदल और मेरे को लेकर आया। आप ठीक है, आप बैठिए, आप थोड़ा शांत रखिए। आप थोड़ा शांति से बैठिए। शांति के साथ, शांति के साथ ही बैठना है। झूठा मरीज। अब आप मेरी बात सुनिए, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम? मैं बहुत प्यार से पूछ रही हूँ आपको, मैं डांटूंगी नहीं, आप बस अपना नाम बताइए ठीक है? आपका क्या नाम है?
सचिन। मैं आपको दवाई लिख रही हूँ ताकि आप घर जाके दवाई खा सके। सचिन आपकी उम्र क्या है? उम्र कितनी उम्र है? उम्र 20 साल। ठीक है, तो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें बीमारी क्या है ये तो बताओ। भूल जाता हूँ मैं। भूल जाते हो? भूलने की बीमारी है? भूलने की बीमारी है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, भूलने की बीमारी है ना, तो देखो आराम से देखो, मैं तुम्हें ना कुछ दवाइयाँ लिख रही हूँ, ठीक है, तो मेडिकल पे जाके ले लेना। और आपके पास नहीं है? अरे मेडिकल नीचे है, हॉस्पिटल के नीचे मेडिकल है ना, तो मेडिकल पे दवाई ले लेना, ठीक है। ये मैं कुछ दवाइयाँ लिख रही हूँ, और आपको क्या करना है, ये दवाइयाँ खाना खाना है, खाना खाने के बाद 2 चम्मच लेना है, और दवाई पी के आराम से शांति के साथ सो जाना, ठीक है। आप ये पर्ची ले जाइए। ये लो, ये दवाइयां लेके खाना खा के 2 चम्मच लेके शांति से सो जाना आराम से, ठीक है। चलो अब जाओ, फीस दो मेरी 500 हो गए। मैं जाता हूं। पैसे तो फीस दो मेरे क्लिनिक का। वो तो नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ अभी। शांति शांति शांति। बेटे शांति से क्या काम है, वो घर गई है अपने। खुद डॉक्टर ने बोला है कि 2 चम्मच लो। क्या लो? 2 चम्मच दवाई के साथ 2 चम्मच लो और शांति के साथ सो जाओ। ये घुसेड़ दूंगी। शांति अपने घर गई है, शांति के साथ। डॉक्टर ने बोला है, इसमें लिखा है कि खाना खाने के बाद दवाई लेनी है 2 चम्मच, उसके बाद 2 चम्मच, उसके बाद शांति से सो जाना है। शांति के साथ नहीं सोना, शांति से सोना है। शांति के साथ सोना है, डॉक्टर ने बोला है। डॉक्टर सुनो मेरी बात, उसमें पर्ची में लिखा है खाना खाना है, दवाई खानी है, और 2 चम्मच दवाई पी के आराम से सो जाना, आराम से, तसल्ली से, शांति के साथ नहीं सोना है, शांति से सोना है। शांति घर गई है, शांति घर गई है। बुलाओ। तुमको शांति के साथ सोना है, निकलो मेरे घर से बाहर, निकलो मेरे घर से बाहर, मेरे घर से बाहर निकलो, तुमको शांति के साथ सोना है, निकलो मेरे घर से। डॉक्टर के पास होकर आता हूँ, डॉक्टर के पास होकर आता हूँ। कोई आया है पेशेंट? तो रिसेंट आया है ना? कौन काम? देखो बाहर कौन है? अभी दिख जाता। यार ये पेशेंट का तुम फिर आ गए? मैडम जी मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। अब तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें दवाई तो लिख दी थी मैंने। आपने बोला था दवाई लेके 2 चम्मच लेके शांति के साथ सो जाना, तो मेरी बीवी बना कर लेके उसके साथ नहीं सोना। मैं अपना क्लिनिक बंद कर रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए, 2 चम्मच नहीं लेना भाई। सुनिए मेरी बात, आपको दवाई पी के सोना है, आराम से सोना है, दवाई 2 चम्मच। मरीज है भाई, सुनिए मेरी बात, सुनो मेरी बात, इसको तो राहुल वो इंजेक्शन वाला वहां से इंजेक्शन उठा के दवाई के साथ 2 चम्मच और हाँ मैंने शांति से सोने के लिए बोला था, शांति के साथ सोने के लिए बोला था, शांति से सोना। कुछ नहीं होगा, आप सुनिए, आपकी भूलने की जो बीमारी है ना वो याद, हाथ से करो, हाथ से करो राहुल। बस अब आपको आज की सारी बातें याद आ जाएगी, आप अपने घर जाइए, दवाई पीजिए, चाय मत पीजिए, शांति से सोइए, चाय मत सोइए, अब नहीं शांति से सो जाना है।
ये चम्मच रख दीजिए, ये चम्मच नहीं लेनी है, सिर्फ दवाई पीनी है। आप पेशेंट का जो एक मेल था, ये आप लोगों के रिक्वेस्ट पे ये वीडियो शूट हुआ है। आई होप गाइस कि आप लोग इस वीडियो को तो 100% बहुत इंजॉय किए होंगे। गाइस आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हो, इतना सपोर्ट कर रहे हो गाइस, तो इस वीडियो को भर भर के लाइक करना। और अगर आप लोग नए हो तो आप लोगों को पता है क्या क्या करना है गाइस, तो गाइस मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जाइए और फटाफट बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और गाइस एक वीडियो शूट करने में बहुत 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 मेहनत लगती है, तो आप लोगों को क्या करना है, सपोर्ट करना है, लाइक करना है, अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर करने हैं वीडियोस को। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और भी मैं आप लोगों के लिए लेके आती रहूँगी। और मेरा ये फनी एक्ट वीडियो कैसा लगा, जो कि एक पागल पेशेंट था और एक डॉक्टर थी, तो ठीक है गाइस, आई होप कि आप लोग इस वीडियो में बहुत इंजॉय किए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक और इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ। तो बाय बाय गाइस, गुड नाइट।